हेलो गाइस, दिस इज संदीप एंड आई एम परसुइंग बीटेक फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड वेलकम टू सेट टाइम बाउंड गोल चैनल। दिस इज द बेस्ट चैनल फॉर कॉलेज इन्फॉर्मेशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, AKTU की काउंसलिंग चल रही है, चॉइस फिलिंग चल रही है, और इसी के सीरीज में मैं ऑलरेडी चॉइस फिल कैसे करना है इस पर वीडियो बना चुका हूँ। मैं बहुत सारे कॉलेज के रिव्यू भी दे चुका हूँ, जैसे MMUT, IIT, HBTI। IIT वाले भाई का तो 16 लाख का प्लेसमेंट लगा था, वो CS के थे, कैसे लगा था, क्या लगा था, ये सब मैंने उनसे इंटरव्यू में पूछा था। तो गाइज, इसी सीरीज में मैं एक बहुत ही मोस्ट वांटेड कॉलेज का रिव्यू देने वाला हूँ, हॉनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ, और वहीं के स्टूडेंट के साथ आज की हमारी मीटिंग है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और भी कॉलेज का हॉनेस्ट रिव्यू दूँ, वहाँ के बच्चों से कनेक्ट करूँ और वहाँ की सारी चीज़ें रियलिटी आपके सामने ला के रखूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगला कॉलेज आप कौन सा चाहते हैं। तो प्लीज़ मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो में बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए फॉर मोर अपडेट, ताकि मेरी वीडियो पहुँचे सबसे पहले आपके पास। और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ गाइस, कि YouTube के डाटा के अकॉर्डिंग मैं देख रहा हूँ कि ओनली 27% मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं, मेरे छोटे भाई ऐसे हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। अभी भी 73% भाई लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिन्हें मेरी वीडियो पसंद तो आ रही है, मुझे देख तो रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो भाई, ये तो थोड़ा सा वो वाली बात हो जाती है कि अगर हम आपके लिए काम कर रहे हैं और आप थोड़ी सी भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर मज़ा नहीं आता ना यार। दोनों तरफ से होना चाहिए कि हम सपोर्ट आपको करें, आप सपोर्ट हमें करें। गाइज, अगर काउंसलिंग प्रोसेस में कोई भी दिक्कत है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आपका भाई हमेशा आपके साथ है पूरे काउंसलिंग प्रोसेस से लेकर आपके कॉलेज में जाने तक, क्योंकि मैं भी कभी आपके जैसे ही था और इधर उधर सर्च कर ही रहा था। तो आज का जो हमारा कॉलेज है जिसका मैं रिव्यू देने वाला हूँ, वो है छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर। ये कानपुर यूनिवर्सिटी ही है, उसी का जो बीटेक है वो छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में है। इसका मैं हॉनेस्ट रिव्यू CSJMU के नाम से जो फेमस है मैं देने वाला हूँ, और यहाँ पर हम सब कुछ जानेंगे, एवरीथिंग अबाउट CSJMU। फीस हो गया, प्लेसमेंट हो गया, कट ऑफ हो गया, एवरीथिंग, सारी बातें खोल के आपके सामने रख दी जाएंगी। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, मैं उनसे आपको मिलवाना चाहूँगा। ये मेरे प्रिय मित्र हैं, ठीक है, इनका नाम है गौरव शुक्ला। ये वहीं से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से अपना बीटेक कर रहे हैं, और आज ये रिव्यू देंगे कि कैसा है छत्रपति साहू जी महाराज, वहाँ पे लाइफ कैसी है, वहाँ की फीस कैसी है, एट्सेट्रा, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये कॉलेज पसंद आएगा, और अगर आपको इस कॉलेज के बारे में कुछ भी चीज़ पसंद ना आए तो वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं गौरव जी से। हेलो गौरव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? या संदीप, ओके, कैसे हो? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? या संदीप, जी जी, एक मिनट, तो चलिए मिलते हैं गौरव जी से, वहीं के ECE के छात्र हैं। तो हेलो गौरव, कैसे हैं आप? बढ़िया संदीप। आप अपने व्यूअर्स को, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए, फर्स्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाय व्यूअर्स, आई एम गौरव शुक्ला फ्रॉम CSJMU कानपुर यूनिवर्सिटी ECE डिपार्टमेंट 2019 बैच। नाउ इट्स टाइम माय थर्ड ईयर, फिफ्थ सेमेस्टर आर गोइंग। ओके गाइस, तो ये अभी फिफ्थ सेमेस्टर में, थर्ड ईयर में है, तो ये आज हमें रिव्यू देंगे अपने कॉलेज का कि कैसा है छत्रपति साहू जी महाराज। तो ये पूरा हॉनेस्ट रिव्यू होने वाला है कि नहीं गौरव भाई? आप जो भी बताइएगा खुल के बताइएगा। एकदम भाई, एकदम खुल के बात करेंगे। यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी के दबाव में मत आ जाइएगा कि हमारे प्रोफेसर क्या कहेंगे। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है तो खुल के बताइएगा, क्योंकि बात सवाल है हमारे छोटे भाइयों के करियर का कि वो वहाँ पे जाके क्या फेस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फिर से वही बात, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एडमिशन प्रोसेस क्या है जी गौरव भाई? पहला सवाल, एडमिशन प्रोसेस क्या है भाई? जहाँ तक बात एडमिशन की है, हमारे टाइम में तो AKTU की काउंसलिंग से लिया जाता था, शायद अब JEE Mains के परसेंटाइल कट ऑफ पे एडमिशन हो रहा है।
ओके अजी, बिल्कुल सही। अभी ऐसा है कि पहले हम लोग के टाइम पे एक यूपीटीयू या यूपीएसडब्ल्यू एग्जाम हुआ करता था, उसके बिहाफ पे एकेटीयू काउंसलिंग कराती थी और हमें एक कॉलेज मिलता था। पर अभी आपको पता है काउंसलिंग तो एकेटीयू ही करा रही है, मगर जेई मेंस के इस कोर्स से लिया जा रहा है। तो अभी तब का कट ऑफ और अभी जेई मेन के कट ऑफ में अंतर होगा, तो कट ऑफ पूछने की अभी बात नहीं है। मैं खुद बताऊंगा कि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस कॉलेज में जाने के लिए। अच्छा गौरव, मैं आपके टाइम पे अगर मैं बात करूँ, आपके अभी मैं आपके कॉलेज के फी वेवियर सीट के बारे में बात करूँ, जो लोग लोग कमज़ोर हैं, मतलब इकोनॉमिकली वीक हैं, उनके लिए जो फी वेवर सीट का आरक्षण किया गया है, क्या आपके कॉलेज में फी वेवर सीट है गौरव भाई? भाई भाई ऐसा है कि ये यूनिवर्सिटी का सेल्फ इंडक्शन इंडक्शन है, तो जिसकी वजह से यहाँ फी वेवर नहीं है। ओके, तो दिस इज अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ना? यस यस, सेल्फ ओके, दिस इज अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, बट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी फाइनेंस, सेल्फ फाइनेंस। सेल्फ फाइनेंस, दिस इज अ सेल्फ फाइनेंस कोर्स, और यहाँ पे फी वेवर सीट नहीं है, किसी के लिए भी फी वेवर सीट नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो फी वेवर सीट वाली तो बात अच्छा हट गई। अच्छा, आपके टाइम पे कट ऑफ क्या जाता था? आपके टाइम पे आज से 3 साल पहले, 2019 में? मेरे टाइम 2019 में मेरी काउंसलिंग हुई थी, उस टाइम इसकी ओपनिंग कट ऑफ थी 3,000 कुछ रैंक, 3,500 3,000 के अप्रॉक्स, और जो क्लोजिंग कट ऑफ थी वो थी 18,000। 18,000, मतलब उस टाइम पे 18,000 रैंक तक के कॉलेज मिल जाता था। तो अभी हमें उम्मीद कर सकते हैं कि इधर अगर आपका जेई में 1 लाख रैंक के आसपास है, तो भी इसमें कुछ ना कुछ मिलने के चांस है, 1.5 लाख तक भी बढ़ सकता है। तो गाइस, एकदम एकदम एक ये तो हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो गया, दिस इज नॉट मोस्ट एक्यूरेट, और अभी मोस्ट एक्यूरेट तो कोई बता भी नहीं सकता, एक्यूरेट कोई भी यूट्यूबर नहीं बता सकता, पर हम एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फी वेवर सीट की बात हो गई, और जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब मैं वो करने वाला हूँ गौरव जी से प्लेसमेंट के बारे में, क्योंकि इस समय सबको चाहिए प्लेसमेंट। तो जी गौरव भैया, बताइए प्लेसमेंट कैसा है छत्रपति साहू जी महाराज का, क्योंकि ये सारे व्यूअर्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप सीएस से स्टार्ट करिए, पहले बताइए सारे ब्रांच में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट कौन से ब्रांच का है आपके कॉलेज में? भाई, यहाँ सबसे बेहतरीन और प्लेसमेंट देखा जाए तो सीएस केमिकल और एमएसएमई एक ब्रांच है यहाँ की, एमई, एमएसएमई एमएसएमई, ओके, एमएसएमई यहाँ ये तीन ब्रांचेस की प्लेसमेंट सही है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में प्लेसमेंट ना के बराबर है, बाकी सभी लोग कोडिंग वगैरह से आईटी सेक्टर में ही जाते हैं। ओके, और मतलब यहाँ ओके जी, मतलब आप कहना चाह रहे हैं आप जिस ब्रांच में हैं वहां पे प्लेसमेंट के लिए मतलब जूझना पड़ रहा है, कोडिंग हाँ, करना बस पड़ रहा बस है। बस पोलस्टार और एलजी, ये दो कंपनियां हैं वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आती हैं यहाँ। अच्छा, कौन सी कंपनी, एक बार प्लीज रिपीट। पोलस्टार और एलजी। ओके, पोलस्टार और एलजी, दो इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी यहाँ आती हैं। मतलब आपके अनुसार यहाँ पे अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ, तो सबसे बढ़िया प्लेसमेंट जो है सीएसई का है, जो कि लगभग हर कॉलेज में है। उसके सीएसई बाद और आप केमिकल, कह सीएसई रहे और हैं कि केमिकल। केमिकल का है, केमिकल का है ना क्योंकि ये उस? कानपुर से रिलेटेड है और यहाँ कंपनियां भी केमिकल से रिलेटेड बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से यहाँ का प्लेसमेंट एमएसएमई केमिकल का इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल और डिपार्टमेंट से अच्छा ही हो रहा है। अच्छा, और एमएसएमई कौन सा ब्रांच है भाई? यहाँ एक मटेरियल साइंस की एक ब्रांच होती है अलग से एमएसएमई। अच्छा, दिस इज अ ब्रांच ऑफ मटेरियल साइंस। ओके, मटेरियल साइंस का ब्रांच है, तो मतलब इसे भी लेने में कोई बुराई नहीं है ना? आपके यहाँ प्लेसमेंट हो जा प्लेसमेंट रहा है। हो जाता है। अच्छा, हाँ, अगर मैं चूज करना चाहूँ सिविल और एमएसएमई या केमिकल में, तो आप छत्रपति साहू जी में क्या चूज करना पसंद करेंगे? यहाँ सिविल ब्रांच और इलेक्ट्रिकल ब्रांच नहीं है। अच्छा, यहाँ पे से कौन कौन सी ब्रांचेज हैं आपके यहाँ? एक नई ब्रांच जोड़ी गई है एआई, हाँ, आर्टिफिशियल आर्टिफ इंटेलिजेंस, मैंने देखा। हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ये यहाँ पे एक नई ब्रांच जोड़ी गई है जो सीएस से ही रिलेटेड है, जो आपको सिर्फ और सिर्फ एआई टेक्नोलॉजी पे बताई जाएगी, और इसी साल से जोड़ी गई है इस ब्रांच को। हाँ, एक स्पेशलाइजेशन है, कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है, हाँ मैंने इसको देखा। यहाँ आईटी को सीएस के साथ मर्ज कर दिया गया है, तो पहले एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ब्रांच चलती थी, अब जो सीएस हो चुकी है, जिससे कि सीएस की जो यहाँ सीट है वो हाँ, 60 से 90 हो चुकी है। अच्छा, 60 से 90 हो चुकी है। आपके यहाँ सीएससी है और क्या है? सीएससी सीएससी है। है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, केमिकल है और एमएसएमई है। अच्छा, सीएससी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, केमिकल और एमएसएमई है। अच्छा, अगर मैकेनिकल और केमिकल और एमएसएमई में आपको चूज करना होगा, तो आप यहाँ पे क्या चूज करना पसंद करेंगे? फिर से बोलना भाई, आवाज अगर नहीं आ रही आपको है। तीन ब्रांच चूज करना हो, मैकेनिकल, एमएसएमई और केमिकल,
इन तीनों में से आपको प्रेफरेंस देना हो तो किस ऑर्डर में प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि काउंसलिंग चल रही है? भाई सबसे बड़ी बड़ी बात हो जाती है कि प्लेसमेंट पे ध्यान देना है, तो मैं कहूंगा केमिकल, अदरवाइज यहाँ से गेट की अच्छे अच्छे रैंक बच्चे निकालते हैं हर साल, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट हो चाहे वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो, यहाँ से बच्चे इन दोनों ब्रांचेज में बहुत अच्छे रैंक निकालते हैं गेट में। तो मैं अगर प्रेफर करना चाहूंगा गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भाई आप मैकेनिकल ले सकते हो, बट आपको अगर जॉब चाहिए, सिर्फ जॉब सिक्योरिटी रखनी है, तो भाई केमिकल बेस्ट ब्रांच है। ओके, जॉब सिक्योरिटी के लिए केमिकल इज अ बेस्ट ब्रांच यहाँ पे। और अगर गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपके हिसाब से कोर ब्रांचेज लेना ज्यादा सही रहेगा? ज्यादा सही रहेगा। ओके, तो ये तो आपने प्लेसमेंट में बात करी, तो आप ये मुझे बताइए सीएस का लास्ट टाइम का हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या रहा आपके कॉलेज में, सीएस का हाईएस्ट प्लेसमेंट? अभी तो सबको पता है कि कोविड चल रहा था, तो उसके वजह से पूरी सारी चीजें व्यवस्था पूरा हिलाई हुआ था, लेकिन अभी लास्ट ईयर में एक हमारे यहाँ से गो कोड चलता है, एक हमारे सीनियर्स हैं जिनका 33 लाख का प्लेसमेंट हुआ था फ्लिपकार्ट में। अच्छा, 33 लाख का प्लेसमेंट, बहुत ही गजब का प्लेसमेंट है भाई, वो भी फ्लिपकार्ट में हुआ, गुड गुड। और एवरेज पैकेज की बात करें तो यहाँ ऑलमोस्ट सभी लोग 4 से 8 लाख के बीच में, मैक्सिमम सीनियर्स जो हैं इस साल के अभी तक का हाईएस्ट पैकेज सुनने में आया 10 लाख, और 4 से 8 लाख के बीच में ऑफलाइन ऑफ कैंपस ही सीनियर हो रहे हैं सेलेक्ट मैक्सिमम सीएस के। तो यहाँ एक पिछले साल तो ऐसा रहा कि सुनने में ऐसा था कि 90% से एबव जो सीएस वाले हैं उनका प्लेसमेंट हो गया था। अच्छा, 90% से एबव, मतलब कुल मिला जुला के सीएस का प्लेसमेंट आपके यहाँ बेहतरीन है? बेहतरीन है। और यहाँ पे अभी भी सारी ब्रांचेस के लिए आईटी डिपार्टमेंट की मैम है, वो काम कर रही है, और प्लेसमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और मेरे हिसाब से इस साल के अंत तक काफी अच्छी कंपनियां आएंगी। और मैं एक बार फिर से अगर रिव्यू देना चाहूंगा तो मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी कंपनियां आई थी और कितने लोगों का इस बार प्लेसमेंट हुआ है। ओके, श्योर, हम उसका जरूर वेट करेंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लेसमेंट कैसा रहा, इलेक्ट्रॉनिक्स की हाईएस्ट प्लेसमेंट कैसी रही, बाकी अदर ब्रांचेस का प्लेसमेंट के बारे में कुछ अगर आइडिया हो तो? इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने जैसा कि बताया कि पोल स्टार है, टीसीएस है, विप्रो है, एलजी है, इसी तरीके की कंपनियां आती हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट कोडिंग वगैरह से या वेब डेवलपिंग वगैरह से ही आईटी सेक्टर में जा रहे हैं, वरना मैक्सिमम बच्चे तो यहाँ गेट के लिए ही जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के जितने बच्चे हैं वो गेट के लिए ही जा रहे हैं मैक्सिमम। अच्छा अच्छा, तो ये भी एक ठीक बात है। अगर वहाँ पे गेट की कोचिंगों के लिए क्या है, मतलब अगर मैं गेट की कोचिंग करूँ तो कानपुर जैसे लोकेशन में तो मेरे ख्याल से बहुत ही सुविधाजनक होगा? हाँ एकदम, क्योंकि फिर भी ये ऑनलाइन होने की वजह से, कोविड की वजह से आपको पता ही है संदीप कि ऑनलाइन हो गया सारी चीजें, तो इसकी वजह से अब आप कहीं से भी परचेस कर सकते हैं कोर्सेज को। हाँ, कोर्सेज को तो कहीं से भी परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन में, लेकिन मैं ऑफलाइन की बात कर रहा था। वहाँ पे तो मेडिजी वगैरह बढ़िया कोचिंग है कानपुर में अभी है, तो आप कानपुर में काकादेव में बहुत सारी कोचिंग है, बहुत सारी कोचिंग गेट फोरम है, हाँ आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। तो बात आपने बिल्कुल सही कही, गेट वगैरह, और अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए वो कर रहे हैं तो आप साथ ही साथ कर सकते हैं, तो ये भी ठीक रहा। इलेक्ट्रॉनिक्स का भी प्लेसमेंट एवरेज है, तो कुल मिला जुला के यहाँ अगर सीएस मिल रहा है तो जाने में कोई बुराई नहीं है ना? नहीं एकदम, यहाँ आप तैयारी भी अच्छे से कर सकते हैं। अभी इस साल का आप रिजल्ट उठा के देखेंगे तो 2018 बैच की इलेक्ट्रॉनिक्स की एक हमारी सीनियर थी, त्रिपाठी अंशिका, मुझे नाम सही से नहीं याद आ रहा है, कोई त्रिपाठी करके थी गोरखपुर की, उन्होंने आईएएस क्वालिफाई किया है 68वीं रैंक। ओह दैट्स अ वेरी नाइस, साउंड्स गुड। ओके, तो ये तो काफ़ी बढ़िया रहा आपके बढ़िया फैसिलिटी है आपके कॉलेज में कि अच्छे रैंक आ रहे हैं गेट और ईएससी में। तो ये रही प्लेसमेंट की बात, तो गाइज यहाँ पे मतलब मान के चलिए 4 से 8 लाख का एवरेज पैकेज लग रहा है, 4 से 8 लाख का एवरेज पैकेज लग रहा है, और 33 लाख हाईएस्ट गया है जैसा कि भाई ने बताया। ठीक है, तो ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस यहाँ पे दोनों चल रहा है, केमिकल का भी प्लेसमेंट सही है। अच्छा, आप ये बताइए आपके यहाँ की फीस कितनी है, फीस सबसे मेन मुद्दा फीस की है? फीस फर्स्ट ईयर में आप आते हो तो आप 84,000 देते हो, उसके बाद से कुछ सिक्योरिटी फीस और 1500 हटा दें तो 82,500-83,000 के अप्रोक्स हर साल दूसरे साल से आपकी फीस लगनी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, फर्स्ट ईयर में आपकी जो कॉलेज की फीस है 84K है ना? 84K है। और सेकंड ईयर में AI की जो फीस है वो 93 है। अच्छा, AI की 93 है, AI की ज्यादा है भाई लोग, तो ये देख लेना है ना, लेकिन ब्रांच बढ़िया है AI की, मेरे ख्याल से तो ब्रांच बढ़िया है, इस एक स्पेशलाइजेशन है कंप्यूटर साइंस का ये, लेकिन स्पेशल ब्रांच है। यस यस, अब सेकंड ईयर की फीस कितनी हो जाती है? बस 1500 सिक्योरिटी फीस हटा दो। अच्छा,
83 82 मतलब 82 83 के आसपास, ठीक है। तो आप ये बताइए, फर्स्ट ईयर की है तो हो गई कॉलेज फीस, अब आप मुझे बताइए हॉस्टल फीस कितनी होनी चाहिए, कितनी हॉस्टल है फीस आपके यहाँ? यहाँ, हॉस्टल फीस यहाँ की 16 से 18 हज़ार रुपये साल भर की फीस है मतलब रहने की, मैक्सिमम और 18 के है ना? मैक्सिमम 18 के। मेस ओके, और मेस का का चार्ज है यहाँ 21 हज़ार 21,000 पर ईयर या पर सेमेस्टर? पर ईयर, पर पर ईयर, ईयर, पर फिर तो ईयर। बहुत ही सस्ता है। अगर हम टोटल जोड़ें तो हमारे हिसाब से हो जाएगा 84 प्लस 18 प्लस 21, तो ये टोटल 1,23,000 का बजट है। मतलब एक बच्चा अगर जा रहा है तो अपना 1,23,000 का बजट बना के जा सकता है, ठीक है? 1,23,000 का बजट आपको बना के चलना है कि नहीं गौरव भाई? मतलब हाँ इतना हाँ आपका एक एकदम भाई, साल में एकदम एकदम। हो जाएगा, ठीक हाँ है? स्कॉलरशिप का भी बेहतरीन है, आप यहाँ आते हैं तो स्कॉलरशिप आपको मिलती ही मिलती है। कितनी स्कॉलरशिप मिल जाती है आपको? स्कॉलरशिप कितनी मिल जाती है? जनरल SC ST की पूरी फीस आती है 83 84 हज़ार, जितनी भी फीस है वो अच्छा, सारी SC ST की SC ST पूरी 84-83 हज़ार आ जाती है, बहुत आ बढ़िया, जाती है। ऑसम। जनरल जनरल और OBC की 56 से 60 के बीच में आती है। जनरल OBC का 56 से 60 में आ जाता है, बहुत बढ़िया, ये भी ठीक है। नाइस भाई, नाइस, बढ़िया है। अच्छा आप मुझे ये बताइए, अगर आप एक स्टूडेंट होते अभी और आपको यस एक सर, अब अगर आपको AKG नोएडा वगैरह JSS वगैरह में CS मिल रहा हो और आपको इधर भी CS मिल रहा हो, तो आप क्या लेना ज़्यादा प्रिफर करते हैं? भाई रियलिटी ये है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आप ऑफ कैंपस से अच्छा प्लेसमेंट उठाना चाहते हो तो आपके लिए कॉलेज मैटर नहीं करेगा, आप कहीं कॉलेज से पढ़ सकते हो। बस ये है कि आप बस प्लेसमेंट पे बात करना है तो आप कोडिंग वगैरह कहीं से अच्छे स्किल डेवलप करो और किसी भी IT सेक्टर की कंपनी में जा सकते हो, तो वो आपकी हाँ च्वाइस है क्योंकि यहाँ की फीस कम है बाकी JSS नोएडा या और बाकी कॉलेजेस से। तो यहाँ कैंपस लाइफ भी बहुत ही बेहतरीन है, बेहतरीन है। यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं जिसकी वजह से ओवरऑल यहाँ का रिव्यू बहुत ही बेहतर ही है। ओके, मतलब बेहतर है। अच्छा, ये तो फिर बढ़िया रहा। अच्छा, आपके यहाँ फैकल्टी और फैसिलिटी कैसी है? आपके यहाँ दोनों टीचर्स ठीक कितने है। सपोर्टिव हैं? यहाँ मैकेनिकल मैकेनिकल ब्रांच से मैकेनिकल ब्रांच के जो टीचर हैं वो बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच भी बहुत ही अच्छे से पढ़ाई जाती है हाँ, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाता है आप लोगों को, अब तो आपको तो पता ही है संदीप, ऑटोनॉमस में क्या ही चल रहा है। हाँ, ऑटोनोमस बॉडी में आप लोग की CPI काफी अच्छी आती होगी, क्योंकि जो टीचर पढ़ाते होंगे वही पेपर बनाते होंगे। तो ये कहना ये आसान नहीं है क्योंकि वो डिपेंड करता है क्लास के टॉपर पे। कोई हाँ बच्चा अधिक पढ़ लेता है तो उसके हिसाब से CPI डिपेंड करती उस है हाँ भाई। उसके हिसाब से ग्रेड ग्रेड उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि कितना ग्रेड बनने वाला है, A+ कहाँ जाने वाला है, A कहाँ जाने वाला है, ये तो डिपेंड करता है कि आपका आपके यहाँ हाईएस्ट कितना जा रहा है। ये बिल्कुल आपने सही बात कही, आपकी हाँ बात वो सही, टॉपर टॉपर पे डिपेंड करता है टॉपर भाई। पे डिपेंड करता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आपके यहाँ पे फैसिलिटी क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे वाईफाई, जिम वगैरह, हॉस्पिटलिटी, लाइब्रेरी, ये सब है या नहीं है? मतलब भाई यहाँ लाइब्रेरी है, स्विमिंग पूल है, जिम है, अच्छा, स्विमिंग स्टेडियम पूल है। वगैरह है, हाँ फिर हाँ तो स्विमिंग पूल घूमने आते वगैरह है होंगे। अच्छा भाई। अभी कोविड की वजह से सारा बंद पड़ा हुआ है लेकिन अब जल्दी ही उसको स्टार्ट करेंगे। अच्छा कैंपस में वाईफाई है, कैंपस में आप वाईफाई चला सकते हैं। लाइब्रेरी कैसी है आपके यहाँ की? लाइब्रेरी आउटस्टैंडिंग है भाई, 9 से रात के 9 बजे तक खुली रहती है। संडे को छोड़ के संडे को शाम को 5 बजे बंद हो जाती है, वैसे 9 बजे से रात के 9 बजे तक खुली रहती है ओके, लाइब्रेरी। कॉलेज में कैंटीन वगैरह बढ़िया है? कॉलेज में कैंटीन है, काम चल जाएगा, ऐसा है काम चल जाएगा। अच्छा, ये लोग वो कैसा, मतलब फूड वगैरह का क्या है आपके हॉस्टल में? फूड वगैरह बढ़िया है या फिर मतलब वैसे ही? नहीं ठीक है भाई, खाने के लिए सही है। अच्छा सही है, खाने वगैरह के लिए सही है फूड वगैरह। तो अभी कॉलेज जैसा आपको पता ही है संदीप, कॉलेज अभी खुला हुआ है तो मेस का जो अभी टेंडर हुआ है अभी जल्दी पास हुआ है, तो अभी तो खाना बेहतर ही दे रहा है, अच्छा, अभी बेहतर, हाँ अभी तो बेहतर ही देंगे, अभी तो बेहतर ही अभी देंगे। तो बेहतर ही देंगे। अच्छा आपके कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? बताया जैसा आपको बताया, एक यूनिवर्सिटी है कानपुर की, जो यूनिवर्सिटी है एकदम, वैसे यहाँ से कई सारे एफिलेटेड कॉलेज हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटी एक नंबर है, स्टेडियम है, गर्ल्स 3 4 गर्ल्स हॉस्टल हैं, 2 हॉस्टल्स हैं, बॉयज हॉस्टल हैं 2, और स्टेडियम मिलता है, स्विमिंग पूल वगैरह मिलती है। तो बाकी ओवरऑल बहुत ही बेहतर है।
मतलब ठीक लग रहा है मुझे कॉलेज यहाँ जाने में, कोई वो नहीं है। मैं अपने व्यूवर्स छोटे भाइयों को तो सजेस्ट करूँगा, अगर यहाँ मिलता है तो चले जाओ। आपके यहाँ सोशल लाइफ कैसा है? सोशल लाइफ फर्स्ट ईयर में कैसा लगा? फ्रेशर पार्टी वगैरह, आपके यहाँ हरियाली कितनी है? मतलब समझ रहे हैं ना हाँ आजकल हाँ क्या एकदम चल एकदम रहा है एकदम। ट्रेंड में? यहाँ 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 भाई रेशियो बराबर चलता है, लड़की और लड़कों का रेशियो सही है, भाई तब 30 तो बच्चे हैं तो जबरदस्त है, 30। मतलब बढ़िया। हाँ, तो मैं तो एकदम सजेस्ट बेहतर करूंगा चाहिए। बस सिंगल सिंगल लड़कों को इधर ही निकलना चाहिए, है ना? मैकेनिकल में ना आए, बाकी किसी ब्रांच में आए तो लड़कियां मिलेंगी। अरे भाई अच्छा, आपके यहाँ का वो कैसा रहेगा, कैसा है मतलब फ्रेशर पार्टी वगैरह कैसा होता है? फर्स्ट ईयर में जब हम आए थे तो फ्रेशर लॉकडाउन लग गया था, उसकी अच्छा वजह से तब से फ्रेशर पार्टी हो नहीं पाई थी। और यहाँ का सारा फ्रेशर चार्ज जो है वीसी उठाते हैं, अच्छा एक बीस ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम में फेस्ट वगैरह होते रहते हैं। जाकिर भाई हमारे एक बार आए हुए हैं, शैली सेठी आई हुई हैं, तो अच्छा, हाँ इन सारी फेस्ट होते रहते हैं। बट लॉकडाउन की वजह से ये 2 साल आपको पता ही संदीप किस तरीके से गुजरे हैं, हाँ तो हाँ ये तो मैं खुद उसमें जूझ रहा हूँ भाई, जूझ रहा हूँ। तो मुझे फील है कि क्या चल रहा है। इस बार बात हुई है फ्रेशर पार्टी के लिए। देखते हैं, अभी वीसी बोल रहा है कि कोविड की वजह से अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। अच्छा ठीक है भाई, ये तो काफ़ी वो है। हमारी भी फ्रेशर पार्टी 2 साल से नहीं हुई है। हमें तो मिली थी फ्रेशर पार्टी, पर हमने दी नहीं, ठीक है, और अब देंगे भी नहीं, ठीक है, क्योंकि अब तो थर्ड ईयर में आ गए, लास्ट फोर्थ ईयर करके निकल ही जाना है। तो ओवरऑल आप मतलब क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपके यहाँ CS मिल रहा है तो आ जाए ना बच्चे यस सब? यस ओके, फिर बढ़िया रहा आपका, ठीक है। आपने काफ़ी ज़्यादा मदद की अपने छोटे भाइयों की, वीडियो देख के उन्हें एक अरे अच्छा खासा अनुभव हो जाएगा कि इस आपके यहाँ चल क्या रहा है, जाना उनके लिए बेटर है या नहीं है। इतने क्वेश्चन करने के बाद उन्हें एक आइडिया हो गया होगा कि हाउ इज़ छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी। तो गाइज, इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ पूछना भूल गया, मैं गौरव भाई से कुछ नहीं पूछा, तो आप कमेंट बॉक्स में बोलना, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूंगा। और आपको पता है मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ मात्र 12 घंटे के अंदर। और अगर किसी को बहुत तेज़ी होता है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी है तो कॉल भी कर सकता है, नंबर तो मैं दे ही देता हूँ। ठीक है गाइस, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बताना मुझे कि कैसा रहा आपका वो, अब नेक्स्ट कॉलेज कौन सा लेना चाहिए। तो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।